यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन में वैकल्पिक विषय के बारे में, वैकल्पिक विषय हिंदी भाषा और साहित्य। नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार श्रीवास्तव आज आपसे हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन में वैकल्पिक विषय के बारे में, वैकल्पिक विषय हिंदी भाषा और साहित्य। जैसा कि आप जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन में दो पेपर होता है, जो ऑप्शनल पेपर होता है जिसका वेटेज 500 नंबर का होता है, और हम आज ये बात करेंगे कि हम हिंदी भाषा और साहित्य को ही क्यों चुनें जब हमारे पास अन्य विकल्प हैं, अन्य भाषाओं का विकल्प है, उसके बावजूद भी हम हिंदी भाषा और साहित्य को क्यों चुनें। तो जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, मैंने भी यूपीएससी में कम से कम 3 बार इंटरव्यू दिया है, 4 बार मैंने मेंस मुख्य परीक्षा दी थी हिंदी भाषा और साहित्य से। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से ही अपनी पढ़ाई पूरी की है। तो संघ लोक सेवा आयोग के ट्रेंड को अगर हम देख करके अगर हम बात करेंगे तो हिंदी भाषा और साहित्य को हम क्यों चुने जबकि अन्य भाषा भी हमारे सामने है, अन्य विषय भी हमारे सामने है, उसके बावजूद भी हम हिंदी भाषा एवं साहित्य को क्यों चुने। तो हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा और साहित्य के वैकल्पिक विषय के रूप में जो दो पेपर होगा उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस के बारे में बात करते हुए हम आपसे बात करेंगे कि इसको क्यों चुने। तो पहला पॉइंट है कि हम इसको क्यों चुने। तो पहला पॉइंट इसलिए है कि क्योंकि ये हिंदी भाषा और साहित्य जो है अंकदायी विषय है, सबसे ज़्यादा अंकदायी विषय है, ये अंकदायी विषय है, यह अंकदायी विषय है। दूसरा, इसमें आप वैज्ञानिक रूप से, खास करके इसके जो प्रथम पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जो होता है, फर्स्ट पेपर में आप पूरा का पूरा चार्ट डायग्राम्स इनके माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा हो गया कि यह वैज्ञानिक विषय भी है, इसको हम वैज्ञानिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वैज्ञानिक तरीके से भी लिखना संभव। तीसरा, आपको जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो विभिन्न कोचिंग के माध्यम से ये सुनते होइएगा क्या कि आज हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नंबर आया है बच्चों को, सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा नंबर आया है बच्चों को, फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा नंबर आया है बच्चों को, या नहीं तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नंबर आया है बच्चों को। तो पहले आपको दो चीज़ समझना होगा कि हिंदी भाषा और साहित्य जो पूरे स्टूडेंट जो बैठते हैं संघ लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में, जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जब बात करना चाह रहा हूँ तो संघ लोक सेवा आयोग बहुत सारा एग्ज़ाम लेती है जिसमें से एक एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम। तो सिविल सर्विसेज की ही एग्ज़ाम में ऑप्शनल पेपर की व्यवस्था होती है। संघ लोक सेवा आयोग की दूसरी परीक्षाएं होती है, जैसे IES की परीक्षा, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की परीक्षा होती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा होती है, असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा होती है, तो उसमें ऑप्शनल पेपर नहीं होते हैं। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, जिसको हम नागरिक सेवा कहते हैं, नागरिक सेवा का जो परीक्षा होती है उसमें ही वैकल्पिक विषय का वेटेज है। तो वैकल्पिक विषय के वेटेज में आप गौर करिएगा कि जब 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 भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या जब भी कोई व्यक्ति ये कहता हो कि हमारे इतिहास विषय में या फिर क्या नाम है सोशियोलॉजी में या एंथ्रोपोलॉजी में या क्या नाम है साइंस के सब्जेक्ट में या ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा नंबर आया है, 300+ नंबर आया है, 350+ नंबर आया है, तो उनसे पहला क्वेश्चन यही पूछ लीजिएगा कि आपका माध्यम क्या था, आपके मीडियम्स क्या थे। अगर आपने हिंदी माध्यम में इतिहास का पेपर लिखा होगा, अगर आपने हिंदी माध्यम में ज्योग्राफी का पेपर लिखा होगा वैकल्पिक विषय के रूप में,
अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी को अगर आपने हिंदी माध्यम में लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा, तो मैं तो आप मैं पिछले 10-15 सालों का मैंने पूरा रिकॉर्ड यूपीएससी के वेबसाइट पर से डाउनलोड करके मैं आपके पास आया हूँ। उसके आधार पर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर जिस किसी बच्चे ने भी इतिहास या ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी सब्जेक्ट या सोशल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में को अगर हिंदी माध्यम में लिखा है तो उसका एवरेज 280 से लेके 295 के बीच ही है, जबकि हिंदी भाषा और साहित्य का जो वेटेज होता है वह आपको 300 प्लस हमेशा रहता है। अब आप कहेंगे कि सर ये संघ लोक सेवा के आयोग की परीक्षा में कम से कम 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, पूरे इंडिया में कम से कम 6 लाख बच्चे उस एग्ज़ाम में बैठते हैं, तकरीबन 6 लाख बच्चे बैठते हैं, 12 से 13 हज़ार बच्चे मेंस लिखते हैं, तो जो 12 से 13 हज़ार बच्चे जो मेंस लिखते हैं तो 12 से 13 हज़ार के मैंने जो मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं 12 से 13 हज़ार बच्चे, कभी कभी 11 हज़ार, कभी कभी 13 हज़ार, वो डिपेंड करता है कि सीट कितना है। अमूमन यूपीएससी जो अपना यूपीएससी जो क्वालिफाई करवाती है बच्चों को तो उसमें उनका इंटेंशन ये रहता है कि कम से कम जितना सीट है उसके 11 या 12 गुना बच्चों को हम मेंस के लिए बुलाएं, मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएं। जब मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है तो उसमें आप गौर करेंगे कि अलग अलग विषय के बच्चे जब उसमें बैठते हैं तो उसमें हिंदी माध्यम से हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के, हिंदी भाषा और साहित्य को लेकर के कितने बच्चे बैठते हैं। और अगर हिंदी भाषा और साहित्य विषय को लेकर के कोई अगर बच्चा मतलब जब कोई स्टूडेंट मेंस लिख रहा होता है, अगर उसने थोड़ा सा भी इस सिलेबस को थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो उसको 300 प्लस यानी कि 310, 312, 320 तक का आता का वो अंक प्राप्त करता है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जहाँ पे एक एक नंबर का इम्पोर्टेंस हो, वैसे एग्जामिनेशन में मैं हिंदी भाषा और साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी भाषा और साहित्य का किताब ले लीजिए, आप किसी भी भाषा और साहित्य का बुक ले को सब्जेक्ट के रूप में चयन कर लीजिए, अगर आप 2 से 2.5 महीना अगर आप उस सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको 300 प्लस नंबर मिलेगा। और आप जानते हैं कि जब भी कैडर को जब यूपीएससी जब कैडर एकोलोट करती है या फिर कैडर वो डिसाइड करती है या जब क्या नाम है आपको आईएएस आईपीएस के रूप में चुनाव करती है, तो ये अभी जो भारत की जो वर्तमान नीति है उस नीति के अनुसार अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो अगर आप 1 से लेकर अमूमन 120 नंबर तक अगर आप हैं रैंक तक है ओवर ऑल इंडिया लेवल के रैंक तक, तो ही आप आईएएस बनने का ख्वाब देख सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं, तो आप मान सकते हैं कि 150 से लेकर के 180 तक अगर आप आते हैं तो आईएएस बनने का ख्वाब आप देख सकते हैं। अगर आप ओबीसी के बच्चे हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, तो यह मान सकते हैं कि 100 से लेकर के आप अगर 250, कभी कभी यह डिफर भी कर सकता है, कभी कभी कम और ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि अगर इस बीच में आते हैं तभी आप आईएएस बन पाएंगे। अगर आप एससी बच्चे हैं तो यह आप 1 से लेकर के 350 तक आप इसको मान के चलिए कि आप 350 कभी कभी 400 भी मान सकते हैं, तो 400 तक में आप आईएएस बन सकते हैं। अगर आप एसटी बच्चे हैं तो आप यह मानकर चलिए कि 550 या 550 एक से लेकर अगर आपको 550 तक रैंक अगर आप आता है ऑल इंडिया रैंक, याद रखिए आपकी अपनी कैटेगरी में नहीं बल्कि ऑल इंडिया रैंक अगर आपका एक मान जी 1 से लेकर के 150 तक है तभी आप आईएएस बन सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी का अलग अलग होता है, पीडब्ल्यूडी के लिए जिसको फिजिकल हैंडीकैप्ट कहते हैं, लेकिन भारत सरकार ने उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया दिव्यांगजन, तो दिव्यांगजन में भी 3 कैटेगरी होती है तो उनका अलग अलग रैंक होता है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जहाँ पे एक एक नंबर में, क्योंकि आपको मालूम है कि यूपीएससी तकरीबन हर साल सिविल सर्विसेज के माध्यम से
एक से लेकर के कभी कभी 24 कभी कभी 22 एग्जाम माने 22 एग्जाम के लिए वो एग्जाम लेती है जो कंबाइन एग्जामिनेशन होता है। एक चीज़ और गौर करिएगा कि विगत मतलब जब 2011 में जब डीपी अग्रवाल यूपीएससी के चेयरमैन बने थे, तो जब डीपी अग्रवाल यूपीएससी के चेयरमैन बने थे, अभी मनोज सोनी है यूपीएससी के चेयरमैन, तो उन्होंने सीसैट लागू किया था। तो सीसैट लागू किया था तो 2011 में काफ़ी बवाल हुआ। 2011 में जब ये सीसैट आया इंट्रोड्यूस हुआ तो उनका कहना ये था कि अगर सीसैट अगर आता है तो इससे क्या होगा कि बच्चों में हम ये देखना चाहते हैं कि उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं है, उनकी अंग्रेजी हम जांचना चाहते हैं, उनकी मैथमेटिक्स हम जांचना चाहते हैं। ये तमाम तरह के तर्क दिए गए। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बच्चों ने आंदोलन स्टार्ट किया, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली, जामिया, इन सभी के बच्चों ने खूब आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद 2013 में खूब बवाल हुआ, फिर 2014 में इस पर खूब डिबेट हुए। डिबेट होने के बाद फिर अंत में सीसैट को क्वालिफाइंग कर दिया गया। क्वालिफाइंग कर देने के बाद तो जब सीसैट क्वालिफाई नहीं था तो तीन चार साल में यह देखा गया कि जितने बच्चे जो नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं या जो नॉन सोशल साइंस सब्जेक्ट के बैकग्राउंड से हैं उनका चयन नहीं हो पाता था। अमूमन उनका चयन हुआ जो या तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे या फिर जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड से थे या जो बैंकिंग बैकग्राउंड से थे या जो एमबीए के बैकग्राउंड से थे। तो जब यह रिपोर्ट लवासना गया, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी जब यह गया तो वहाँ पे उन लोग वहाँ के अध्यक्ष ने फिर डीओपीटी को आज के भाषा में हम लोग सामान्य प्रशासन विभाग बोलते हैं, जिनके अभी मंत्री हैं जितेंद्र प्रसाद जी, आप जानते होंगे जितेंद्र सिंह जी जो हैं अभी उनके मंत्री है। तो वो 2014 में सरकार बदली तो सारे बच्चे आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद जितने भी यूपीएससी के अभ्यर्थी थे आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाई हमने तो अभी भी सरकार संभाल लिया, हमें क्या मालूम कि क्या हुआ है। तो राज्यसभा टेलीविजन पर देश देशांतर करके एक डिबेट आया था जिस पे इंग्लिश मीडियम के भी लोग और हिंदी मीडियम के लोग भी आए और अपना अपना तर्क प्रस्तुत किए। आपको जानना ये है कि पीटी के लेवल पे इंग्लिश की जांच की जो साजिश रची गई थी यह बहुत ही बेतुका तर्क था। बेतुका तर्क क्यों था? क्योंकि आपको यह मालूम, अगर आप यूपीएससी के सिलेबस से परिचित हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो आपको एक पेपर के रूप में 300 नंबर का इंग्लिश का पेपर मुख्य परीक्षा में पास करना ही होता है, उसके बाद ही आपके अन्य कॉपी चेक होते हैं। 300 नंबर का हिंदी और 300 नंबर का इंग्लिश, जिसमें आपको 75 नंबर लाने होते हैं, यानी कि 25% आपको नंबर लाने होते हैं। अगर आप उस विषय को पास नहीं कर जिसका अंक जुड़ता नहीं है, जुड़ता है केवल 4 जीएस के पेपर का, 1 निबंध के पेपर का और 500 नंबर के का जो ऑप्शनल पेपर है जो वैकल्पिक विषय उसी का नंबर जुड़ता है, बाकी जो 600 नंबर का जो 300 नंबर का हिंदी और 300 नंबर का जो इंग्लिश होता है उसका अंक जुड़ता नहीं है, लेकिन उसको क्वालिफाई करना रहता है। तो पहला तर्क तो यहीं से खंडित हो जाता है कि अगर यूपीएससी को अगर मेरे इंग्लिश का ही ज्ञान लेना है, इंग्लिश के ज्ञान की ही परीक्षा लेनी है, तो आप मुख्य परीक्षा में तो हमसे इंग्लिश का ज्ञान की परीक्षा ले ही रहे हैं, तो आप जानबूझकर यह साजिश रच रहे हैं कि आप सीसैट में इंग्लिश को डाल करके आप हमको प्री ही क्वालिफाई नहीं होने दे रहे हैं। और याद यह भी रखिए कि प्री एग्जाम को अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो ये छटनी कार्यक्रम होता है। क्या होता है? छटनी कार्यक्रम क्या होता है? जैसे 600,000 बच्चों में से हमको कुछ बच्चों को छांटना है और उनमें से 12-13 हज़ार बच्चों को मुख्य परीक्षा के दंगल में भेजना है। जो मुख्य परीक्षा का जो चक्रव्यूह होता है वह मेन होता है, जो मुख्य परीक्षा में जो आपके रिटेन एग्जाम होते हैं वह मुख्य होता है, जो 1750 नंबर का होता है, जिसमें आपको 250 नंबर का निबंध होता है, 250 उसके बाद 4 ऑप्शनल पेपर होते हैं और सॉरी 4 सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं और
500 नंबर का दो पेपर होता है जो आपका ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय होता है। तो वैकल्पिक विषय के रूप में अगर हम हिंदी को चुनते हैं तो क्यों चुनते हैं, और हिंदी के चुनने के पीछे आखिर ऐसा क्या वजह है कि हम हिंदी को ही चुने? तो उसका मैंने यहाँ बता दिया कि एक तो यह क्या नाम अंकदायी विषय है, दूसरा यह वैज्ञानिक तरीके से लिखा जा सकता है। इसका फर्स्ट पेपर जो है वो इतना वैज्ञानिक है कि आप केवल चार्ट के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको मालूम है कि मुख्य परीक्षा में आपको कितने घंटे मिलते हैं, 3 घंटे। कितने घंटे मिलते हैं आपको? 3 घंटे। 3 घंटे का अर्थ होता है 180 मिनट, छतरी के साथ 180 मिनट। 180 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं? 180 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको तकरीबन एक सब्जेक्ट के लिए कितना समय मिलता है? तकरीबन 8 से 9 मिनट, यानी कि 8.5 मिनट आप मान के चलिए, 8.5 मिनट आपको मिलता है। इस 8.5 मिनट में ही आपको उस क्वेश्चन का आंसर ड्राफ्ट करना होता है। और आप जानते हैं कि यूपीएससी में एक एक नंबर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप शुरू के फर्स्ट रैंक से लेकर के अगर आप 150वें रैंक तक के बीच के बच्चों का जो देखिएगा, जो अंक देखिएगा, उसमें मुख्य रूप से एक या दो या तीन नंबर का ही अंतर होता है। यानी कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में एक नंबर पर, जैसे अगर मान लीजिए किसी को 962 नंबर मिला है या किसी को मान लीजिए 1036 नंबर मिला है, तो जिसने मान लीजिए 1036 नंबर मिला वो फर्स्ट रैंक पर था, और जो 150वें रैंक पर है हो सकता है कि उसका नंबर 1032 हो। इस 4 नंबर के बीच में 150 रैंक का गैप है, मात्र चार नंबर अगर आप कम प्राप्त करते हैं तो आपके रैंक के बीच में 150 का अंतर हो जाता है। और इस 150 का अंतर आपके आईएएस और आईपीएस बनने की प्रक्रिया को तय करता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में, जैसे मैंने बताया कि अगर 100 से लेकर 120 के रैंक में, तो ही आईएएस बन पाइएगा। अमूमन कोचिंग इंस्टीट्यूट खूब बवाल करेगा, खूब हवाबाजी करेगा, उनको भी अपना क्या नाम है वो कोर्स बेचना होता है तो बच्चों को बुला लेंगे कि अरे हमको एग्जाम दीजिए। मेरे साथ खुद हुआ है, मैं जब मेंस परीक्षा लिख रहा था तो मेरे एक मित्र ने कहा कि अरे फलना कोचिंग वाला बोला है कि अरे तुम यहाँ आ जाओ, तुमको हम इतना रुपया दे देंगे, तुम केवल ये बोल देना कि ये हमने इस कोचिंग में बैठ करके इस टीचर से क्लास लिया था इसीलिए हम ये हो गए। हमने कहा भाई हम एथिक्स भी पढ़ते हैं और एथिक्स बिकाऊ नहीं होती है, हमने नहीं किया। खैर हम उस पॉइंट पर नहीं जा रहे, हमारा पॉइंट क्या है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। हमारा पॉइंट ये है कि हिंदी साहित्य को चुनने के पीछे वजह क्या है। तो पहला कि यह अंकदायी विषय है, दूसरा वैज्ञानिक तरीके से लिखा जा सकता है, तीसरा ये कि ये इसका जितना सिलेबस है वह दो से लेकर के ढाई या मान लीजिए 3 महीने में आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपका प्रश्न आएगा कि सर हम तो साहित्य के बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं, हम क्या नाम है ह्यूमैनिटीज के बच्चे नहीं हैं, सोशल साइंसेस के बच्चे नहीं हैं, हम तो इंजीनियर हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो क्या नाम है चार्टेड अकाउंटेंट हैं, तो हम इस विषय को क्यों चुने? तो उसके पीछे कारण है, अगर आप नॉन ह्यूमन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे हैं या नॉन सोशल साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो भी आप इसको 2 से लेकर के 3 महीने के बीच में आसानी से इसको जान सकते हैं, आसानी से इसको आप तैयार कर सकते हैं। और तैयार करने के बाद आप 300+, 315, 320, 325 इतना नंबर आप पा सकते हैं। और याद रखिएगा जहाँ मीडियम की लड़ाई होगी, जहाँ मीडियम की बात होगी, तो
ये जीएस जो जो, जो 1000 नंबर का जो हमारा जीएस का जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है, जिसको हम हिंदी में सामान्य अध्ययन बोलते हैं, 4 जीएस जो पेपर होता है, उसमें चाहे हिंदी माध्यम का बच्चा हो या चाहे इंग्लिश माध्यम का बच्चा हो, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, दोनों के नंबरों में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। अंतर केवल और केवल आपके निबंध पेपर, निबंध का जो जिसको ऐसे बोलते हैं, निबंध का पेपर, और दूसरा आपका वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय है ना, जिसको ऑप्शनल पेपर कहते हैं, ये दोनों ही आपके मार्क को तय करता है। आपका रैंक अगर 350 आ गया, कोई कितना भी बोल दे, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना भी अपना प्रचार कर ले, उससे आप डायरेक्ट पूछिए कि भारत सरकार का DOPT जो है, डायरेक्टर ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य प्रशासन विभाग, वह सामान्य प्रशासन विभाग जब भारत दर्शन करने से पहले जब बच्चों का क्या नाम है IAS IPS इस तरह का जब डिसाइड करता है, 3 महीना के फंडा, 3 महीना जो उनका ये फंडामेंटल जो क्या नाम है वहाँ फाउंडेशन जो कोर्सेज चलते हैं लवासना में, उसके बाद जब उनका डिसाइड होता है, तो बताए कि 350 नंबर पे EWS का बच्चा, जनरल का बच्चा कैसे IAS बन जाएगा, किस आधार पर IAS बन जाएगा, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पूछिए कि आपको अपना मार्केट बनाना है, इस चक्कर में आप कुछ भी झूठ बेच देंगे, झूठ बेचे जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से, झूठ बेच जाते हैं, क्योंकि मैंने इस दर्द को जिया है, मैंने खुद एग्जाम दिया है, मैंने खुद इंटरव्यू दिया है IAS का, तो मुझे मालूम है कि इसमें क्या एक एक नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है। अब आइए कि आप कहेंगे सर, अगर हिंदी को अगर हम लेते हैं, ठीक है, हम मान गए कि इसमें 2 से 3 महीना का समय लगता है, वैज्ञानिक तरीके से भी लिखा जा सकता है, अंकदायी विषय भी है, तो फिर अदर पेपर में कहाँ ये काम आएगा, तो अदर पेपर में काम आएगा। आप पिछले साल आई थिंक 2022 में एक निबंध पूछा गया था, निबंध पूछा गया था, जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित होता है किंतु वह उसके लिए नहीं बना होता है। मैं संजोग सुबह मेंस लिख रहा था, मैंने इसी पर अपना निबंध लिखा था। तो अब ये बताइए कि आप साइंस के किस किताब में इस कोटेशन को देखेंगे कि जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित होता है किंतु वह उसके लिए नहीं बना होता है। और अगर UPSC यह निबंध पूछ रहा है, तो UPSC यह निबंध क्यों पूछ रहा है, पूछने के पीछे कारण क्या है, UPSC आपसे क्या चीज डिमांड कर रहा है, UPSC आपसे क्यों यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित होता है किंतु वह उसके लिए नहीं बना होता है। वह इसलिए पूछता है क्योंकि आपको, चूंकि वह आपको प्रशासक बनाता है, ब्यूरोक्रेट्स बनाता है, वह आपको एक IAS के रूप में, आपको कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में देखना चाहता है, एक IPS के रूप में आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में देखना चाहता है। तो जब आप इस चीज को समझते कि UPSC अगर ये पूछ रहा है, तो ऐसे अमूर्त भाषा में क्यों पूछ रहा है, तो जब आप हिंदी साहित्य के गोदान को पढ़िएगा, और गोदान में जब आप मिस्टर मेहता और मिस मालती का स्टेटमेंट पढ़िएगा, मिस्टर मेहता और मिस मालती जो है वो शहर में रहने वाले प्रोफेसर्स हैं, और उन दोनों के बीच जो बातचीत होती है, उन बातचीत का जो सार होता है, उस सार में आप देखिएगा कि वहां से कोटेशन क्रिएट होता है। तो जब UPSC इस एग्जाम जब यह क्वेश्चन पूछते, तो UPSC आपसे यह इसलिए नहीं पूछती है कि आप इसका, इस मुहावरे का अर्थ गोल गोल घुमा घुमा करके रचनात्मक तरीके से दीजिए। वो आपसे ये पूछना चाहता है कि जहाज इसकी नियति होती है कि जहाज चाहे तो बंदरगाह पर रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित होता है किंतु वह उसके लिए नहीं बना होता है, तो किसके लिए बना होता है, वह बना होता है लहरों से लड़ने के लिए, वह बना होता है समुद्र में तैरने के लिए, वो बना होता है समुद्र को पार करने के लिए। अब आइए इस चीज को आप रिलेट करिए, कहाँ से रिलेट करिए, कि सपोज कीजिए कि आप एक IAS के रूप में चुन लिए जाते हैं, या सपोज कीजिए कि एक IPS के रूप में आप चुने जाते हैं, क्यों यह निबंध पूछा गया UPSC के एग्जाम में, और इस निबंध का आंसर कैसे ड्राफ्ट करना था, ये आपको समझना होगा कि क्यों ड्राफ्ट करना था, क्योंकि मैंने इस निबंध को मैंने लिखा था, तो मुझे याद है ये पूछा तो इसलिए गया था कि भाई इसमें बच्चे का हमको ज्ञान का लेवल नहीं देखना है, उनके समझने के तरीके को देखना है। सपोज कीजिए कि आप एक IPS के रूप में चुन लिए जाते हैं, और आपकी पोस्टिंग किसी हिंदी बेल्ट में हो जाती है, हिंदी बेल्ट, हिंदी पट्टी, हिंदी भाषी राज्य में हो जाती है,
और हिंदी भाषी राज्य में जहाँ राजनीतिक समीकरण अलग अलग तरीकों से तय होता है, विभिन्न प्रकार के टूल्स उसमें काम करते हैं, उसमें आप एक आईपीएस के रूप में चुन करके आप चाहें तो जिला मुख्यालय में जो एसपी क्वार्टर है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का जो क्वार्टर है, उस क्वार्टर में बैठकर आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। या फिर आप एक एसपी के रूप में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए ग्राउंड पर जाते हैं और कानून का राज सुनिश्चित करवाते हैं। यह क्वेश्चन इस संदर्भ में पूछा गया था कि हम चाहें तो नौकरी प्राप्त करने के बाद, बतौर यूपीएससी के इस एग्जामिनेशन को पास करने के बाद, यूपीएससी के इस परीक्षा को पास करने के बाद, हो सकता है कि हम एक आराम तलब एसपी के रूप में अपने जिला में बैठे हुए हैं, मुख्यालय में बैठे हुए हैं, क्वार्टर में बैठे हुए हैं या फिर ऑफिस में बैठे हुए हैं। एक आईएएस के रूप में हम जिला में बैठे हुए हैं और क्या नाम है, ये लोग आ रहे हैं, उनकी उनकी उनके चीज़ों को सुन रहे हैं, उनकी शिकायतों को सुन रहे हैं, लेकिन हम उसका समाधान नहीं खोज, आराम तलब ज़िंदगी जी रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है, तो आप आईएएस के रूप में आप जनता दरबार लगा सकते हैं। जनता दरबार से आप समाज के जो वंचित तबके के लोग हैं, जो हाशियरत समाज के वो तबका जो आज तक मुख्यधारा में शामिल नहीं हुआ, मैं यहाँ जाति वर्ण धर्म इन विषयों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि समाज का वह तबका जो अभी भी मुख्यधारा में नहीं शामिल हुआ है और भारत सरकार की जो जितनी भी योजनाएँ हैं और वर्तमान खास करके जो वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री भारत के जो प्रधानमंत्री है उनकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं जिनको ग्राउंड पर लाना है और मैंने समाज को उस वंचित तबके तक पहुँचाना है, समाज को उस वंचित तबके तक उस लाभ को पहुंचाना है, उस कंडीशन में बतौर एक आईएएस ऑफिसर या बतौर एक आईपीएस ऑफिसर या अन्य सेवाओं के लिए व्यक्ति ले जाते हैं। आप ये जानते होंगे कि यूपीएससी में जो ऑल इंडिया सर्विस होता है वो तीन ही सर्विस होता है, एक होता है आईएएस की सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा होता है इंडियन पुलिस सर्विस और तीसरा होता है आईएफएसई सर्विस, है ना। तो ये जो आईएफएस होता है ये होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसी में ऑल इंडिया का कैडर डिसाइड होता है, मैंने ऑल इंडिया कैडर डिसाइड होता है, बाकी में कोई डिसाइड नहीं होता। बाकी जो इंडियन फॉरेन सर्विस है या और जो सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईआरटीएस, इंडियन रेलवे एंड ट्रैफिक सर्विसेज या पांडुचेरी पुलिस सर्विसेज या दैनिक सर्विसेज जो दिल्ली में जो लोग डीसीपी बन के आते हैं, ये मैंने इन तरह की जितनी 22 या 24 जो भी एग्जाम 22 या 24 पोस्ट के जो एग्ज़ाम होते हैं, तकरीबन 1000 पोस्ट के आसपास निकलता है और हर साल निकलता है, अभी भी निकला ही हुआ है, आप देखे ही होंगे, एडवर्टीजमेंट पढ़े होंगे, मार्च तक फॉर्म भरने का डेट है, इनमें से बहुत सारे आप लोग साथी लोग भर भी लिए होंगे फॉर्म या भरने के मूड में होंगे, आप अपनी तैयारी को काफ़ी तेज़ गति से दे भी रहे होंगे। तो वहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा था कि ये तीन सर्विसेज में मुख्य रूप से ये दो सर्विस ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो इस ये आईएफएस की सर्विस आपके लिए भी उपयुक्त है, अदरवाइज बाकी जितनी भी सेवाएं होती है वो केवल और केवल केंद्रीय सर्विसेज होता है, सेंट्रल सर्विसेज होती है, केंद्रीय सेवा की सर्विसेज होती है, इसमें कोई कैडर डिसाइड नहीं होता है। अब मैं यहाँ कहना चाह रहा था कि जब वैकल्पिक विषय के रूप में जब आप निबंध लिखेंगे तो यूपीएससी तो हर साल दो निबंध पूछती है और आपको सेक्शन ए से भी एक निबंध लिखना होता है, सेक्शन बी से भी एक निबंध लिखना होता है, और जब निबंध लिखना होता है तो जब निबंध को आज आप पढ़ेंगे तो उसमें एक मूर्त निबंध होता है और एक अमूर्त निबंध होता है। तो मूर्त निबंध को आप कैसे लिखिएगा और अमूर्त निबंध को कैसे लिखिएगा, अमूर्त निबंध तो कोटेशन के रूप में लिखा गया है और आपको पूछा जा रहा है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। एक बार जब मैं पहले बार अपने जीवन में जब यूपीएससी का मेंस दे रहा था तो उसमें लिखा गया था कि स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना किसी भी राष्ट्र का विकास जो है वो असंभव है। अब ये बताइए कि इसमें आप एक तरफ कहते हैं कि हम जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे, जेंडर इक्वलिटी की लैंगिक समानता की बात करेंगे, है ना, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता की बात करेंगे हम। यह पूछा क्यों गया यूपीएससी में, क्यों पूछा यूपीएससी ने यह क्वेश्चन निबंध में, वह इसलिए पूछा गया कि हम जानते हैं कि भारत का जो समाज है, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है वो पैट्रियार्की सिस्टम पे डिपेंडेड है,
प्रतिसत्तात्मक समाज है वह, और प्रतिसत्तात्मक समाज में इसीलिए आप अगर प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़िएगा जब भी आप, और रामचरण शर्मा की किताब को पढ़िएगा जब आप रामचरण शर्मा को जब पढ़िएगा तो उसमें आप देखिए कि वैदिक काल के समय तक अश्व और पुत्र की कामना क्यों की गई थी, पुत्रियों की कामना क्यों नहीं की गई थी। भारत में जहां आज भी बहुत राज्यों में लैंगिक समानता की दर समान नहीं है, बड़ा विसंगति है, 1000 पुरुष पर 945 लड़कियां हैं, 1000 पुरुष पर 912 लड़कियां हैं, तो लैंगिक समानता तो है नहीं। जिस देश में कन्या लड़की को भ्रूण में ही मार दिया जाता हो, गर्भ में ही मार दिया जाने की परंपरा रही हो, जिस देश में मतलब लोगों का माइंडसेट उस तरह का रहा हो, और यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना किसी भी राष्ट्र का विकास या किसी भी राष्ट्र की प्रगति जो है वो असंभव है, और यूपीएससी ये क्यों पूछ रहा है, यूपीएससी इसलिए पूछ रहा है ताकि आपको समझना हो कि लैंगिक समानता क्या है। लैंगिक समानता के हमारे देश में अगर जेंडर इक्वलिटी अगर समान नहीं है तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या उसका केवल बायोलॉजिकल कारण है या सामाजिक पक्ष भी है। तो जब आप हिंदी साहित्य में नारीवादी विमर्श पढ़िएगा, जब नारीवादी विमर्श पढ़िएगा तो इस नारीवादी विमर्श से आप पढ़िएगा, जब आप निर्मला पुतुल को पढ़िएगा तब आप इस में आप कोटेशन जोड़ सकते हैं कि तन के भूगोल और बिस्तर के गणित से परे तुम क्या जानते हो एक स्त्री के बारे में। जब निर्मला पुतुल का यह स्टेटमेंट जब लैंगिक समानता में आप डालिएगा कि तन के भूगोल और बिस्तर के गणित से परे तुम क्या जानते हो किसी स्त्री के बारे में, तब आप इस कोटेशन को ये कर पाइएगा, तब आप संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को आप अपने निबंध में कोट कर पाइएगा कि मैं किसी भी समाज के प्रगति का, उस समाज में जो प्रगति हुआ है उसको हम कैसे आंकते हैं, हम ऐसे आंकते हैं कि वहाँ पे महिलाओं ने क्या प्रगति की है, महिलाओं की स्थिति क्या है, वहाँ की महिलाओं का शैक्षणिक स्तर क्या है, उनका आर्थिक स्तर क्या है, उनका जो है मानसिक स्तर क्या है, उनका स्वास्थ्य, यानी कि महिलाओं की प्रगति में ही उस समाज की प्रगति छिपी हुई है। अगर उस समाज में महिलाओं की स्थिति अगर खराब है, अगर गड़बड़ है, अगर वह लोकतंत्र के मूल्यों के आधार पर अगर वह संभव नहीं है अगर वहाँ के उस समाज में, तो इसका मतलब है कि वह समाज प्रगतिशील नहीं है और उस समाज में प्रगति के विभिन्न मानकों को भी आना बाकी है। तो आप निबंध में जब ये लिखेंगे तो हिंदी साहित्य के इस भाषा से लिखेंगे। अब आप आइए एक और चीज, आप कहें कि मैंने कहा कि हिंदी साहित्य क्यों चुने, तो हिंदी साहित्य आपको निबंध के पेपर में मदद करता है, खूब मदद करता है। एक तो ये हुआ, क्या यह जीएस के पेपर में ही मदद करता है, तो जी हाँ जीएस के पेपर में ही मदद करता है। मैं सिलेबस में ही बात करूंगा मैं आपसे, लेकिन पहले आप आइए कि अगर मान लीजिए आप पढ़ते एक चीज पढ़ते हैं जीएस में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय जब आप पढ़ते हैं, तो हिंदी साहित्य में जब आप दलित विमर्श जब पढ़ेंगे है ना, विमर्श, या फिर आदिवासी साहित्य पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस हिंदी साहित्य का अंश है उसमें, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो सोशल जस्टिस को आप वहां से समझ पाएंगे और आदिवासी विमर्श को पढ़ पाएंगे, तब आप यह जान पाएंगे कि भारत में माओवाद की समस्या क्यों है। आप जैसे ही आदिवासी साहित्य को पढ़ेंगे जो कि आपके हिंदी साहित्य के सिलेबस का बस एक छोटा सा पार्ट है, और जैसे ही आप उसके मूल कंसेप्ट को समझेंगे कि आदिवासी साहित्य, तो आपको यह समझ में आएगा कि
भारत में जो अन्य मान विभिन्न प्रकार के जो विभेदकारी नीतियां हैं, जो भारत में आंतरिक सुरक्षा के, भारत के आंतरिक सुरक्षा को जो कमजोर करता है, जिसमें माओवाद है, उग्रवाद है, आतंकवाद है, जो भारत को तोड़ने का प्रयास करता है, भाषावाद है, क्षत्रियवाद है, ये जो भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात जब करता है, और जब हथियार उठा करके भारतीय समाज और भारतीय शासन को जब चुनौती देता है, तो आप यहाँ से समझ पाइएगा कि इसकी मूल समस्या क्या है। तो इसका मतलब है कि हिंदी साहित्य आपके जीएस पेपर में ही मदद करता है। अब आइए मैं आपसे कहूँगा कि जैसे हिंदी साहित्य के पेपर टू में, जो पेपर टू है, उस पेपर टू में, एक मिनट थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ। आज चूंकि पहला दिन है, और पहला दिन है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाद में मैं पूरा सिलेबस को डिटेल से बात करूँगा, डिटेल सिलेबस को के बारे में बात करूँगा, फिर सिलेबस बारे में समझाऊँगा भी आपको कि क्या होता है। अगर हम पेपर टू की बात करें तो पेपर टू में जो है, ये मैंने यूपीएससी के वेबसाइट से निकाला है, यूपीएससी की वेबसाइट पर जो आपका सिलेबस है उसका, उससे बात करूँ तो आप इसमें आइए। अगर हम गद्य साहित्य की बात करें, अच्छा ये बताइए, पहले हम पद्य साहित्य की, गद्य साहित्य की बात करते हैं, तो गद्य साहित्य में क्या है? भारत दुर्दशा, पेन, भारत दुर्दशा, है ना, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, ये किनका लिखा हुआ है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ है। अब बताइए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो बहुत सारी, क्या नाम है, बहुत सारे नाटक लिखे थे, अंधेर नगरी, चौपट राजा, और वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, फिर ये भारत दुर्दशा ही क्यों यूपीएससी के सिलेबस में रखा गया, दूसरा क्यों नहीं रखा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र को अगर हिंदी साहित्य के सिलेबस में, उसके पाठ्यक्रम में अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में ही पढ़ना था, तो उनके और नाटकों के बारे में पढ़ सकते थे हम, उनके एकांकियों के बारे में पढ़ सकते थे हम, फिर भारत दुर्दशा के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं हम? तो आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा कि भारत, जब आप मेन स्ट्रीम का हिस्ट्री पढ़िएगा, बिपिन चंद्रा का जब हिस्ट्री पढ़िएगा, या राजीव अहिर के द्वारा जो लिखा गया हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को जब पढ़िएगा, या ग्रोवर की हिस्ट्री का हिस्ट्री जब पढ़िएगा, तो वहाँ पर आप समझ में आएगा कि भारत दुर्दशा क्यों लिखा गया था। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब भारत में औपनिवेशिक शासन था, और जब यहाँ के एजुकेशन पर खर्च नहीं किया जा रहा था, बाद में जब खर्च किया जाने लगा भारत के एजुकेशनल सिस्टम पर, भारतीयों के लिए शिक्षा पर जो कुछ खर्च किए जा करना प्रारंभ किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि हम जो हैं एक ऐसे भारतीयों का निर्माण करें जो तन से तो भारतीय हो, जन्म से भारतीय हो, लेकिन मानसिकता से अंग्रेज हो। तो आपको मैंने जब मुख्य धारा के, जब आप इतिहास पढ़ते हैं, तो मुख्य धारा के इतिहास में आप ये तभी देखते हैं क्या, तब आप क्या देखते हैं कि पहले समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उस वक्त का तत्कालीन भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, 1885 का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, 1885 का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, या ये कहिए कि 1857 से लेकर 1885 के बीच का जो भारत का बुद्धिजीवी वर्ग है, वह यह मान रहा है कि अंग्रेज जो आया है वो, क्या नाम है, हमको असभ्य से सभ्य करने आया है। क्या बेतुका तर्क दिया जा रहा था? और अंग्रेज भी यह तर्क कर रहे थे कि अरे हम तो आपको, आप लोग असभ्य हैं, बर्बर हैं, मैं तो आपको सभ्य करने के लिए आप पर शासन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सभ्य करने के लिए शासन कर रहा हूँ। तो भारत दुर्दशा यह बतलाता है कि भारत के दुर्दशा के पीछे मूलभूत कारण क्या है, और जब उसके मूलभूत का, जब आप उसको हिस्ट्री से जोड़कर देखिएगा, और तब आपको समझ में आएगा कि मूल कारण क्या था, और यह आपको हिस्ट्री के पेपर में भी मदद करता है। उसके बाद आते हैं मोहन राकेश का है कि आषाढ़ का एक दिन, है ना, आषाढ़ का एक दिन, मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा क्योंकि आज मेरा पहला दिन है, और संजोग ऐसा है कि मैं पहली बार ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ,
मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बीए के बच्चों को पढ़ाया था 2 सेमेस्टर, क्योंकि वहाँ होता है कि जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं तो आपको क्लास दी जाती है कि बच्चों को पढ़ाना है, बीए के बच्चों को पढ़ाना रहता है, तो उनका जो सिलेबस होता है मैं उनको पढ़ाया था, तो मुझे वहाँ दिक्कत नहीं हुई थी। और हो सकता है कि तकनीकी कोई खराबी या कमी हो तो फिर उसको सुधार लेंगे हम लोग बाद में, हम भी सीख जाएंगे, आप भी सिखा देंगे। तो आइए, आषाढ़ का एक दिन क्या है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश ने तो और नाटक लिखा था, फिर आषाढ़ का एक दिन ही क्यों रखा गया? और आषाढ़ के एक दिन में किसकी कहानी है भाई? तो आषाढ़ के एक दिन में एक क्वेश्चन आता है जो कि यूपीएससी में हमेशा पूछा जाता है कि कालिदास क्या है? एक असफल विलोम। और विलोम क्या है? एक असफल कालिदास। इसका तर्कसंगत व्याख्या कीजिए, मेरे क्वेश्चन को समझिए आप, मेरे शब्द को गौर करिए कि कालिदास क्या है? कालिदास क्या है? एक असफल विलोम और विलोम कौन है? विलोम क्या है? विलोम क्या है? एक असफल कालिदास। अब इसको समझिए कि भाई ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे तो मैं यकीन के साथ, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इतना मजा आएगा, और मैं यकीन दिला दूंगा कि आप उसके साथ अपने जीवन को जोड़कर देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को समझिए, मोहन राकेश जब इस नाटक की रचना कर रहे थे तो उसके मूल में उन्होंने कालिदास की कल्पना की। कालिदास किससे प्रेम करता है? मालविका से। मालविका उसकी बचपन की दोस्त है, विलोम भी उसका दोस्त है, विलोम भी ज्ञानी है। ऐसा नहीं है कि विलोम ज्ञानी नहीं है, विलोम भी ज्ञानी है और कालिदास भी ज्ञानी है। लेकिन कालिदास को क्या मिलता है? कश्मीर के काराज तिलक उसको मिलता है, कश्मीर में वो राज करने लगता है। और यहाँ मालविका चूंकि गरीब परिवार की स्त्री है, उसका इंतजार कर रही होती है। अंत में एक समय के बाद जो मालविका जो है वो विलोम से उसका विवाह हो जाता है, और विलोम चूंकि ज्ञानी है लेकिन चूंकि उसे अवसर नहीं मिला है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा एग्जाम दिया होगा, हो सकता है कि आप उस एग्जामिनेशन में आप बेहतर परफॉर्मेंस किए हों, लेकिन हो सकता है कि किसी कारणवश आप उस एग्जाम को सेलेक्ट नहीं हो पाए या उस एग्जाम को आप पास नहीं कर पाए। तो जब उस एग्जाम को पास नहीं कर पाए और जिन जिन बच्चों को वह मौका मिल गया, वो बच्चे एग्जाम पास कर गए, तो उसको तो पूरा मीडिया दिखाता है कि अरे ये हीरो हो गया। मैंने एक बार लिखा था अपने फेसबुक पर, अब तो खैर मैं तो फेसबुक अब डिलीट कर चुका हूँ, कि जब ये पोखरियाल साहब जब मानव संसाधन विकास मंत्री थे, तो मैंने उस वक्त क्या नाम है हिंदी की दुर्दशा पर एक पूरा अपने फेसबुक पर लिखा था अपना आर्टिकल कि आखिर ये वजह क्यों है। सो सपोज करिए कि क्या नाम है 12,000 बच्चे में से 3,000 बच्चे या तकरीबन 2500 से लेकर 2700 लड़के लड़कियों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। सिलेक्शन कितने का होना है? 900 लोगों का ही, या 910 लोगों का, या मुश्किल से 920 लोगों का। क्यों भैया? क्योंकि अगर 1020 को सीट है तो 1020 सीट में से 930 बच्चे को रिकमेंडेड किया जाता है, बाकी को रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है? क्योंकि उसका बाद में रिजर्व लिस्ट निकलता है। कब निकलता है? तो जनवरी में निकलता है या दिसंबर, उसी साल के दिसंबर में निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि वहाँ कहा जाता है कि आप अगर अपने मूल कोटी में जाना चाहते हैं तो जाइए, आपको मूल कोटी में हो सकता है आपको फ़ायदा हो। जैसे मान लीजिए कि कोई एससी का बच्चा है, एससी कैटेगरी का बच्चा है, कोई एसटी कैटेगरी का बच्चा है, कोई ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है, और या कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है, उसका रैंक आ गया था, सपोज कीजिए कि 130वां रैंक आ गया था, 130वां रैंक आ गया, और उसने अपने कैडर के लिए जब उसने मुख्य परीक्षा का डेटा भरा होगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म विस्तृत आवेदन प्रपत्र जब वो भरा होगा, और इंटरव्यू के वक्त भी जो वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा होगा,
तो उसने पहली प्राथमिकता दी होगी कि मुझे आईएएस मिलना चाहिए, है ना। और आईएएस में भी अब जोन कर दिया, पहले राज्य के लिए होता था, भारत को सिख जोन में बांट दिया गया है। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए कि उसने एक ऐसे जोन की कल्पना की जिसमें उसने कहा कि पहले मुझे उत्तर बिहार मिलना चाहिए था, बिहार मिले अगर मेरा आईएएस के रूप में चयन होता है तो, या फिर उत्तर प्रदेश मिले, है ना, यूपी मिले, या फिर तीसरा जो है क्या नाम है मुझे झारखंड मिले, या चौथा जो है मुझे मध्य प्रदेश मिले। मैं एक मोटा मोटी बता रहा हूँ, क्योंकि जोन जब आप डैप भरते हैं, जेल एप्लीकेशन फॉर्म जब भरते हैं आप, तो उसमें आपको इंडिकेट करना पड़ता है कि अगर आईपीएस के रूप, अगर आईएएस के रूप में अगर आपका चुनाव होता है तो आप पहले प्राथमिकता तय करते हैं कि ये हो ये हो ये हो ये हो ये राज्य। सेकेंड जोन में आप फिर राज्य का क्रम तय करते हैं, 1 2 3 4 करके तय करते हैं। तो सपोज कीजिए कि कोई ईडब्ल्यूएस का बच्चा 130वें रैंक में आ गया है ऑल इंडिया रैंक में, और उसको 180 बच्चे को ही इस देश में आईएएस बनना है एक साल में। अभी तक जो डीओपीटी का रिपोर्ट है उसके अनुसार 180 लड़के लड़कियां ही भारत में आईएएस बनेंगे, विभिन्न कोटियों से, विभिन्न कैटेगरी से जो बच्चे बनेंगे। सो 200 बच्चे आईपीएस बनेंगे, उससे ज़्यादा बनेंगे नहीं अभी तक जो है। सो भारत सरकार कल क्या निर्णय लेती है वो भारत सरकार पर डिपेंड करता है, लेकिन अभी तक जो भारत सरकार का जो निर्णय है और भारत जो जिसके आधार पर यूपीएससी चयन करती है उसके अनुसार, तो 130वें रैंक पे ये लड़का आ गया है। और मान लीजिए एक ये लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा कि मान लीजिए 130 रैंक पर कोई ईडब्ल्यूएस का लड़का या लड़की है, और अगर जब 3 महीने का जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है लवासना में, तब आपसे पूछा जाता है कि क्या आप अपने मूल कोटी में जाना पसंद करेंगे, तो जब मूल कोटी में जाएंगे तो हो सकता है कि यह जो ईडब्ल्यूएस, या हो सकता है कि यह ओबीसी का बच्चा हो, या हो सकता है कि यह बच्चा एससी में हो, या हो सकता है कि यह बच्चा एसटी में हो, है ना, लेकिन ये क्वालिफाई किया है जनरल कैटेगरी, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक तो इसको 130 मिला है, तो जनरल कैटेगरी में ये मतलब सेलेक्ट हुआ है। लेकिन एक जनरल कैटेगरी में ये सेलेक्ट होता भी है, या यह सेलेक्ट होता है, या यह सेलेक्ट होता है, या यह सेलेक्ट होता है, तो इसको तो आईएएस मिलेगा नहीं, इसको तो फिर आईपीएस मिलेगा। तो अगर ये आईपीएस मिलेगा तो फिर इनको कहा जाता है क्या अपने मूल को टीम वापस जाना चाहेंगे, तो यहाँ उनसे फॉर्म भरवाया जाता है। जब फॉर्म भरवाया जाता है तो हो सकता है कि यह ईडब्ल्यूएस का लड़का अपने कैटेगरी में, हो सकता है कि यह 5वें नंबर पर हो, इनका रैंक 5 हो, या इनका रैंक हो सकता है कि ओबीसी कैटेगरी में 3रा रैंक हो, यह हो सकता है कि एससी कैटेगरी में 1st रैंक हो, यह भी हो सकता है कि एसटी कैटेगरी में 1st रैंक हो। और इन्होंने कहा कि अगर मेरा आईएएस के रूप में सिलेक्शन होता है तो आईएएस के रूप में सिलेक्शन होने के बाद क्या नाम है मुझे पहला जो कैटर हो झारखंड मिलना चाहिए, और इनको संजोग से एसटी कैटेगरी में झारखंड में प्रॉपर आईएएस का पोस्ट मिल रहा था, ये अपने मूल कोटी में चले गए, भले ही सिलेक्टेड सिलेक्शन हुए ऑल इंडिया रैंक में जनरल में, मूल कोटी में चले गए आईएएस बन गए, अदरवाइज यहाँ अगर जनरल कैटेगरी में रहते तो ये आईपीएस बनते, तो ये इनको बनना था आईएएस, लेना था झारखंड तो झारखंड में चले गए, है ना। इनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, अगर जनरल कैटेगरी में रहते तो 150वें रैंक में थे, लेकिन ये क्या नाम है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5वें रैंक पे है, और 5वें रैंक पे है तो हो सकता है कि क्या नाम है इन्होंने कहा कि भैया हमें बिहार दे दो, भी हमारा पहला जो ऑप्शन है वो बिहार में, मुझे आईएएस के रूप में काम करना है, और इनको बिहार में संजोग से उस साल 5वां आईएएस की जरूरत है। उसने डीओपीटी को भेजा कि मुझे 5 आईएएस दीजिए, डीओपीटी मतलब डायरेक्टर ऑफ पर्सनल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भारत सरकार, जो पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस के अंदर चलता है, वहां से सारा कुछ, उसका नया नाम जो है सामान्य प्रशासन विभाग है, है ना। तो सामान्य प्रशासन विभाग को बिहार ने कहा कि हमारे यहाँ इस साल 10 आईएएस का पोस्ट खाली है, जिसमें से 5 ओबीसी का बच्चा चाहिए हमको, और क्या नाम है, या 2 एससी का बच्चा चाहिए, 1 एसटी का बच्चा चाहिए, इस तरह मुझे कम से कम 20 आईएएस चाहिए हमको। तो डीओपीटी ने कहा ठीक है मैं आपको 20 आईएएस दूंगा, और संजोग से ये लड़का 5वें रैंक पर था, ये लड़का 3रे रैंक पर था, 130वें रैंक पर वो आईएएस नहीं बन रहा था,
क्योंकि जनरल कैटेगरी का तो बनता ही नहीं। तो सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग जो जब आपका फाउंडेशन कोर्स का ट्रेनिंग जो लवासना में हो जाता है, तब आपसे फॉर्म भरवाई जाती है और उसके बाद कहता है कि डू यू वांट टू चेंज योर कैटेगरी। तो उस वक्त आपको एक फॉर्म में इंडिकेट करना पड़ता है कि यस आई वांट टू चेंज माय कैटेगरी, आई वांट टू गो माय ओरिजिनल कैटेगरी। अब ओरिजिनल कैटेगरी में चले गए, मान लीजिए इनको इनका ख्वाब था उनको बिहार में आईएएस बनने का, इनका ख्वाब भी पूरा हो गया, तीस बार रैंक आ गया, बिहार में चले गए और आप एक नंबर पे हो या 180वें नंबर पर हो, क्या फर्क पड़ता। बनना तो दोनों को आईएएस है ना, दोनों को सेम टीचर पढ़ाएंगे लवासना में, दोनों को भारत सरकार सेम सुविधाएं देंगी, सब कुछ सेम चीज मिलेगा, सेम हॉस्टल्स मिलेंगे, हॉस्टल्स थोड़ा चेंज हो मतलब सब कुछ का माहौल उसी तरह का होगा। उसको इस तरह समझिए, सपोज कीजिए कि जैसे मैं जेएनयू का स्टूडेंट था और मैं हिंदी भाषा और साहित्य में वहाँ गया था, तो ऐसा तो था नहीं कि जो क्या नाम है हिंदी भाषा और साहित्य के बच्चों के लिए अलग हॉस्टल था और इंग्लिश लिटरेचर वाले बच्चों के लिए अलग हॉस्टल था, उनका अलग मेस था, मेरा अलग मेस था, ऐसा तो था नहीं। हिंदी वाले बच्चे का भी, उर्दू वाले बच्चे का भी, हिस्ट्री वाले बच्चे का भी, माने हिस्ट्री के जो छात्र हैं उनका भी, उनके लिए भी, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और जो क्या नाम है अन्य सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं उन सबों के लिए ही एक हॉस्टल मिला। सपोज कि जैसे मेरा पहला हॉस्टल था लोहित हॉस्टल, तो लोहित हॉस्टल मुझे मिला, तो लोहित हॉस्टल में सारे बच्चे सेम थे, सबको सेम सुविधाएं मिल रही थी, सबका वार्डन सेम था, सबका हॉस्टल सेम था, वार्डन की सुविधाएं सेम थी, मेस की सुविधाएं सेम थी। तो आप पहले रैंक पे आए या 180वें रैंक पे आए, बनना तो आईएएस ही है ना, मूल बात ये है ना। तो अगर आप 130 रैंक में आ भी गए और आपको आईएएस नहीं आईपीएस मिल रहा है, तो आप आईपीएस क्यों बनना चाहेंगे? अगर आपके पास ऑप्शन होगा आईएएस बनने का तो आप आईएएस में चले जाते हैं। इसीलिए बार बार सुनते हुए क्या कि जनवरी में एक रिजर्व लिस्ट निकलती है, और जब रिजर्व लिस्ट निकलती है तो भारत के जो बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जिसको मेरे भाषा में बुद्धिजीवी तो नहीं कहा जा सकता है, अल्प बुद्धिजीवी वर्ग है उसको फेसबुक पर, ट्विटर पर या अन्य सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाएंगे कि देखिए फलना आदमी जो है रिजर्व कैटेगरी से थे, यहाँ आ गए, वहाँ आ गए। ओम बिरला का नाम आपने सुना होगा, ओम बिरला की लड़की थी शायद राखी बिरला, या राखी समथिंग नाम था उनका, उनका भी सिलेक्शन हुआ था रिजर्व कैटेगरी लिस्ट में, क्या नाम है आईएएस के रूप में। मेरे एक अपने क्लासमेट का भी सिलेक्शन हुआ था बाद में आईपीएस के रूप में, अभी वो उत्तर प्रदेश को कैडर मिला, उत्तर प्रदेश वो चाह भी रहा था, उत्तर प्रदेश में मिला भी है उसको, और वो भी उत्तर प्रदेश में वो बतौर एसपी काम कर रहा है। तो वहाँ पे ये कहा गया कि देखिए भारत सरकार में जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला ने अपने शक्ति का दुरुपयोग करके अपनी बेटी को आईएएस बना दिया, जबकि सब कुछ था ही नहीं। सबको मालूम है कि दिसंबर में आपको एक फॉर्म भरवाई जाएगी और 1050 पोस्ट निकला है, तो जब यूपीएससी जब फाइनल लिस्ट निकालती है तो 940 से 960 बच्चे को रिकमेंडेड करती है, बाकी बच्चों के लिए 40-90 बच्चों का सीट रिजर्व रख लेती है। और क्यों रखती है वो इसलिए रखती है ताकि इन लोगों से पूछ सके कि डू यू वांट टू चेंज योर कैटेगरी, कि आप अपना कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं। अगर इनमें से किसी बच्चे ने कहा कि यस आई वांट टू चेंज माय कैटेगरी, हाँ मैं अपना कैटेगरी, मैं अपना कोटी चेंज करना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में यह जो है उसके बाद का जो 90 का लिस्ट आएगा वो बाद में आएगा। 960 यहाँ पे क्या था, 1050 सीट आया था, 960 को रिकमेंडेड किया गया, 90 सीट रिजर्व रखा गया, 90 सीट जो बाद में आता है वो जनवरी के आसपास आता है, दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में आता है ना, क्योंकि मार्च में फिर लोगों को भेज दिया जाता है भारत दर्शन के लिए। अब आइए, और उसी वक्त कैडर डिसाइड भी होता है, कि आपको कौन सा कैडर मिलेगा, कौन सा कैडर मिला है। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात मैं कर रहा हूँ, मैं 22 या 24 एग्जाम जो होते हैं उसमें आईएएस आईपीएस और आईएफएस को छोड़ के बाकी जितने भी सर्विसेज हैं, या तो ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज हैं या ग्रुप बी सर्विसेज है, बाकी वो क्या नाम है उसमें कोई कैडर की लड़ाई नहीं होती, कैडर का कोई अर्थ भी नहीं होता है। तो लोगों ने समझा नहीं
ट्विटर पर एक हंगामा चलाया, फेसबुक पर एक हंगामा चलाया कि ओम बिरला चूंकि लोकसभा के अध्यक्ष हैं तो उन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग करके अपनी बेटी को बनाया। हम लोग जब उसको पढ़े, उस आर्टिकल को पढ़े तो खूब हंसने लगे, क्योंकि उस साल हम भी इंटरव्यू दिए थे, हमने कहा ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। चूँकि वो रिजर्व लिस्ट में उनको इसलिए रोका गया था कि अगर ये लोग चेंज नहीं करेंगे, अगर ये लोग चेंज होते हैं तो ठीक, नहीं चेंज होंगे तो फिर जो बाकी का जो लिस्ट बचा हुआ है वो उसमें हम क्या नाम है लिस्ट निकाल देंगे और बाकी हम 150 का सीट फुलफिल कर देंगे। अब आइए, मैंने कहा कि कालिदास क्या है एक असफल विलोम और विलोम क्या है एक असफल कालिदास, तो आपको समझना क्यों आषाढ़ का एक ही दिन क्यों रखा गया कि एक व्यक्ति है जो गरीबी में जी रहा है। जैसे आप अपने सामर्थ्य के बल पर UPSC का प्री निकाल रहे हैं, मेंस भी निकाल रहे हैं, इंटरव्यू तक गए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ और तो आप किस कैटेगरी में आ गए, विलोम की कैटेगरी में। और एक ऐसा बच्चा है जो जिसका मेंस भी अच्छा गया, इंटरव्यू भी अच्छा गया, फाइनली IAS के रूप में चुन लिया गया, जीवन ने उसको मौके दिए, वो IAS के रूप में चुन लिया गया। तो जीवन में जब उसको मौका मिला और वो IAS के रूप में चुन लिया गया तो उसको नेम मिला, फेम मिला, मीडिया का एकदम ये रैंकिंग के आधार पर सोशल मीडिया पर खूब आया कि देखिए फलना जगह की लड़की ने, फलना जगह के लड़का ने बाजी मारी, फलना ने इतिहास रच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बाकी जो एक जो 2500 से लेकर 2700 बच्चे जो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें से बाकी के 1800 बच्चे क्या कमज़ोर थे? क्या उनके पास ज्ञान नहीं था? क्या वो बिना ज्ञान के ही इंटरव्यू तक गए थे? उनके पास सब कुछ था, लेकिन क्योंकि UPSC की अपनी मजबूरी है कि उनको 1050 बच्चे का ही सिलेक्शन लेना है, इंटरव्यू में वो 2.5 से 3 गुना बच्चे को बुलाएगा ही बुलाएगा। अब जब इतना 2.5 से 3 गुना बच्चों को बुलाएगा तो उस कंडीशन में यह जो 1800 बच्चे हैं वो विलोम की श्रेणी में आएगा और बाकी जो 950 बच्चा है, 950 स्टूडेंट है, वो कालिदास की श्रेणी में आता है। और जब कालिदास कहता है मालविका से, क्योंकि तब तक विलोम से उसकी शादी हो गई रहती, विलोम से उसके एक बच्ची भी पैदा हो गई रहती है, प्रेम है, तो कहता कि प्रेम रोकता नहीं मुक्त करता है। तो फिर वो कालिदास कहता है कि मैं फिर से प्रारंभ करना चाहता हूँ, मैं अथ से आरंभ करना चाहता हूँ। तो मालविका कहती है कि तुम अथ से आरंभ तो करना चाहते हो। कालिदास कहते हो कि कालिदास का तब तक तो कश्मीर की राजकुमारी से विवाह हो गया रहता है, कश्मीर की राजकुमारी से विवाह हो गया, राजा बन गया, मैंने सपोज कि IAS बन गया, IAS बन के अपना खूब सुख सुविधा ले रहा है, अचानक से उसको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आती है, कह रहे भाई मैं क्या नाम है उसी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। लेकिन मालूम होता है कि अरे उनका तो उसने एक दूसरी व्यक्ति को चयन कर लिया, मजबूरी बस चयन किया उसने। जो मालविका है वो कालिदास के पूरे सफर में उसका साथ देती है, उसके उपलब्धि उसकी असफलताओं में उसका साथ देती है, लेकिन मालविका को मिलता कौन है? विलोम, ये जो 1800 बजे वाले बच्चे जो हैं, सो जो फाइनल सिलेक्टेड सिलेक्शन के लिस्ट में नहीं आए हैं, ये 950 वाले जो हैं कालिदास हो जाते हैं। तब आपको यहाँ यह समझ में आएगा कि निबंध में आप इसको कैसे लिखेंगे, GS के पेपर में कैसे लिखेंगे। अब आपको आता हूँ थोड़ा करके मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा ताकि आपको, चूंकि आज मेरा पहला दिन है टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाने के लिए, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा इंडिकेट कर दूं। गोदान नाटक आपको पढ़ना होगा। आप सुनते हैं ना कि भारत में अक्सर, हाँ ये आता है कि किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए आंदोलन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, MSP की बातें हो रही है ना, और आपको UPSC क्वेश्चन पूछ देगा कि होरी के 63 मृत्यु में, होरी के 63 मृत्यु का मूल कारण कृषक जीवन की दारुण कथा है। तो आपको सोचना होगा कि अरे भाई जो गोदान 1950 से पहले लिखा गया है, 34-35 के आसपास लिखा गया रहा होगा, है ना, और उस वक्त का जो किसान, भारत का किसान है जो जमीन बेच करके मजदूर बन रहा है गाय का दान करने के लिए, आज भी बिहार में किसान आत्महत्या कर रहा है, मतलब जो समस्या 1934 में भारत के किसानों के जीवन में था, 2021, 2023, 2024 में भी हो सकता है कि भारत के कृषक के जीवन में वो प्रॉब्लम हो, वो समस्याएं हैं। और अब बतौर एक IAS ऑफिसर जब आप जाते हैं
तो आप उनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पढ़ के जाते हैं तो उनके लिए आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आप योजनाएं चलाते हैं। तो आज चूँकि मेरा पहला दिन था, दूसरे दिन से मैं कल आप लोगों को पूरा डिस्क्राइब करूँगा, पूरा सिलेबस डिस्क्राइब करूँगा। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।